नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहन खंडेलवाल है एंड मैं ब्रेस्ट सेंटर और ब्रेस्ट डिजीजेस का इंचार्ज हूँ सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव के अंदर। आज मैं एक बहुत ज़रूरी विषय के बारे में बात करूंगा एंड दैट इज़ अ ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा। स्तन के अंदर गांठ जो सबसे कॉमन गांठ है उसको फाइब्रोएडिनोमा कहते हैं। नाउ ये जो गांठ होती है ये अमूमन 15 से 30 साल के बीच की लेडीज के अंदर होती है और अच्छी बात यह है कि इस गांठ में कैंसर होने की क्षमता बहुत ही कम है, 2% से भी कम रहती है। पर क्योंकि ये 15 से 30 साल के बीच में होती है, जो लड़कियां हैं वो इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा घबरा जाती हैं, इतनी छोटी उम्र पे गांठ होना, उनकी फैमिली भी घबरा जाती है। तो मेजॉरिटी जो लड़कियां हैं वो मेरे पास आती हैं कि उनकी छाती के अंदर एक गांठ है एंड यूजली इस गांठ के अंदर दर्द नहीं होता है। इस प्रॉब्लम के साथ वो हमारे को विजिट करती हैं। कई लड़कियों को पीरियड से पहले थोड़ा बहुत दर्द भी हो सकता है इस गांठ के अंदर, पर अमूमन मरीजों के अंदर दर्द नहीं होता है। तो ये जो फाइब्रोएडिनोमा की डायग्नोसिस है ये हम एग्जामिनेशन पे और एक अल्ट्रासाउंड के द्वारा बना सकते हैं। हर फाइब्रोएडिनोमा के मरीज के अंदर नीडल टेस्ट या सुई की जाँच करना जरूरी नहीं है। ये नीडल टेस्ट या सुई की जांच हम उन्हीं मरीजों के अंदर करते हैं जिनके अंदर अल्ट्रासाउंड के अंदर कुछ अलग फीचर्स आते हैं, एटिपिकल फीचर्स आते हैं। ना दो सवाल जो हर फाइब्रोएडिनोमा का मरीज पूछता है या उनके फैमिली वाले मेरे से पूछते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या फाइब्रोएडिनोमा को घुलाने के लिए, डिजोल्व करने के लिए कोई दवाई है? अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी दवाई नहीं है जो फाइब्रोएडिनोमा की गांठ को पूरा घुला दे। तो एक बार ये गांठ बन जाती है तो वो लंबे समय तक छाती के अंदर रहती है। सब मरीजों के अंदर ये गांठ बड़ी नहीं होती, सिर्फ 50% के अंदर ये गांठें बड़ी होती हैं, 50% के अंदर ये गांठें सेम साइज की रहती हैं, पर कोई घुलाने की इनकी दवाई नहीं है। दूसरा सवाल जो मरीज पूछते हैं वो ये है कि क्या सारे फाइब्रोएडिनोमास को हमें सर्जरी करके निकालना जरूरी है? नहीं, सारे फाइब्रोएडिनोमास के अंदर सर्जरी की आवश्यकता भी नहीं है। कुछ ही इंडिकेशंस हैं जब हमें फाइब्रोएडिनोमा को निकालना होता है। उसमें नंबर वन इंडिकेशन है कि अगर गांठे का साइज बढ़ रहा है तो हम यूजुअली मरीज को कहते हैं कि हर 3 से 6 महीने अल्ट्रासाउंड आप करवाते रहिए। अगर वो अल्ट्रासाउंड के अंदर साइज हमें लगता है कि डबल हो गया या काफी बढ़ गया तो हम रेकमेंड करते हैं कि वो सर्जरी करवाएं उसकी। बाकी कारण जब हम सर्जरी रेकमेंड करते हैं कि अगर फैमिली के अंदर कैंसर रहा है, स्पेशली स्तन का कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर, अगर दर्द हो रहा है मरीज को या गांठ का साइज बहुत बड़ा है जिससे ब्रेस्ट का शेप बदल रहा है या गांठ 4 या 5 सेंटीमीटर की हो गई है, इन सारी कंडीशंस के अंदर हम इसके रिमूवल को रेकमेंड करते हैं। नाउ इसको रिमूव करने के 2 तरीके हैं, ऑपरेशन के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो है जो पुराना तरीका है जिसमें हम चीरा लगाते हैं, गांठ को पूरा निकालते हैं और फिर चीरे को टांकों से अंदर से बंद कर देते हैं। इसमें भी जो हम चीरा लगाते हैं वो इस तरीके से लगाते हैं जैसे वो आगे छुपा रहे और ज्यादा निशान आगे ना दिखे। मरीज को एक दिन भर्ती रहना पड़ता है या सुबह आके शाम को भी जा सकते हैं एंड इंश्योरेंस के अंदर भी ये सर्जरी कवर हो जाती है। पर जो नया तरीका है जिसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां खुश हैं इसके कारण, नए तरीके के कारण, वो है स्कारलेस ब्रेस्ट सर्जरी या वैब। स्कारलेस मतलब कोई निशान नहीं छूटता इससे एंड इसका फुल फॉर्म है वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट सर्जरी। इसकी एक स्पेशल मशीन होती है जिससे हम फाइब्रोएडिनोमास को निकालते हैं। उस मशीन से सिर्फ 2 मिलीमीटर, इतना छोटा निशान आता है कि वो दिखता भी नहीं है कुछ दिनों बाद एंड वो फाइब्रोएडिनोमा के अंदर जाके उसको टुकड़े बाय टुकड़ा करके निकाल देता है। और हम सर्जरी के दौरान अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं ये देखने के लिए कि पूरी गांठ निकल गई या नहीं। तो ये जो टेक्निक है इससे आराम से गांठ निकल जाती है, कोई आगे निशान भी नहीं आता एंड मरीज सुबह आके शाम को घर भी वापस जा सकता है।
पूरी गांठ निकल जाती है। और इसका एक और फायदा है कि कई मरीजों के अंदर मल्टीपल फाइब्रोएडनोमास हो सकते हैं, एक से ज्यादा गांठ हो सकती है। तो अगर हम ओपन सर्जरी करेंगे तो कई बार हमें ज्यादा चीरे देने पड़ते हैं, ज्यादा इंसिजन देने पड़ते हैं। पर वैब की एक और खूबी ये है कि अगर मल्टीपल गांठें भी होती हैं वो भी एक ही छोटे से चीरे से निकल जाती हैं। अगर आप वैब के बारे में या फाइब्रोएडनोमा के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आपको और भी कोई ब्रेस्ट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। हमारे पेज को और हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए जिससे आप और ब्रेस्ट रिलेटेड वीडियोज आगे भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।